हम लोग यहाँ पर है संबलपुर से श्याम मित्र की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। आइए मिलेंगे हर्षा सिद्धार्थ साहब, बहुत ही बड़े समाज सेवी है, और डॉक्टर नायक, ये भी बहुत बड़े समाज सेवी है। तो सर आज जिन कार्यक्रम हो चाहिए अपन ठीक कहते कार्यक्रम मुकेश भाई जहाँ कहले 225 प्रोग्राम है आउटा गोटे बहुत बड़ी जिस डेडिकेसन मैं 125 पर्वटा के सहज प्रदान हुए मैं 20-25 वर्ष है मुझे से प्रत्येक मसे प्लस प्रत्येक मस खाटू जाऊन आईतार मुझे बड़ डेडिकेसन किसी नान आ भगवान मैंने इच्छा मुझे अच्छे द्वारा बहुत किसी बड़ काम करवर अच्छे आम तक पचे अच्छे सब बेले और माझी पाले आम खाटू श्याम मंदिर करवार प्रचेषार अच्छे आम समस्त सहयोग कामना करें आई एवं कर भविष्य के भी थैंक यू सर बहुत सीधा बाबू आप गोटे समाजसेवी देश हक विभिन्न समय से सब आड़े साज कर आज जेन कार्यक्रम ये उपरे का जय श्री श्याम। आज मुकेश भैया मेरे को बोले मैं उनको पहला धन्यवाद बोलना चाहूँगा और धन्यवाद है मुकेश भैया का जो 225 बार ये भजन करा चुके हैं। मैं देखा हूँ स्टार्टिंग से लगे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, महीना में एक बार खाटू श्याम जाते हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। कम से कम उनका दर्शन करने से बाबा का दर्शन आशीर्वाद हमको मिल जाएगा, उसीलिए हम उनसे भी मिलते रहते हैं। और रहा बात अभी मुकेश भैया जो बोले हैं मंदिर कुछ बना रहे हैं आगे, उसके लिए जो मेरे को वो ऑर्डर करेंगे मैं उसको करने के लिए चलिए चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सिद्धू भाई से सुना कि वो कहते जो भी आदेश होगा मैं करूँगा, और हमारे डॉक्टर साहब तो हमेशा तन मन से लगे हैं, हम भी तक अपने ज़मीन से हर कुछ में उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं। और मुकेश भाई 225 साल कोई मजाक वाला चीज़ नहीं है जो आपने उसको कंटिन्यू कर रखा है सर, और कई सालों से मैं भी आपके साथ संपर्क में हूँ सर। तो जीवन बन जाना है श्री श्याम चरण को, श्री श्याम शरण में दुनिया को आना है श्री श्याम चरण में, ये बहुत बड़ी कृपा है जो आज 225 इतना बड़ा सौभाग्य बाबा श्याम ने दिया है। और जितने भी लोग हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि वीर बरवी को जो वरदान मिला है, जो आज कृष्ण भगवान के रूप में जो पूजे जा रहे हैं, हर कोई की मनोकामना इस दरबार में पूरी हो रही है। और हमारे सिद्धू भाई को विशेष रूप से धन्यवाद है, हमारे डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद है जो इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं और इतना बड़ा शब्द मतलब बोल दिया, वो तो भगवान ही अपने जिससे जो सेवा लेना रहेगा वो अपने आप उनको आदेश करेंगे और वो अपने आप ही सेवा लेंगे। चलिए बोल हम कौन होते हैं आदेश देने वाले, बोल बोल हमारा तो ये सौभाग्य है हमारे बोलने पर आज हमारे सिद्धार्थ सिद्धू भाई यहाँ पर आए दरबार में, ये बहुत बड़ी हमको तो इसी में हमको बहुत मतलब खुशी मिली है। और इनके आने से बहुत सारे काम जिस प्रकार से बाबा ने इनको जो बुलाया है बहुत सारे लोग और भी जुड़े हैं, हमारे डॉक्टर साहब को भी देख करके जुड़े हैं क्योंकि आगे बहुत बड़ी योजना के साथ हम ये कीर्तन चलते आ रहे हैं। 4 साल पहले आदेश हुआ था कि कहीं कहीं पर कोई शहर में आज एक मंदिर ऑलरेडी है, लेकिन वो मंदिर होने के बाद भी कई शहरों में भी 2-2, 3-3 मंदिर भी बन रहे हैं। तो आज इतना विशाल जगह हम लोगों को जो मिला है 3.5 एकड़, उसके बाद 4.5 एकड़ और भी है, वहाँ पर बहुत सारी बड़ी योजना को लेकर हम चल रहे हैं। तो श्याम मंदिर के साथ में 5 मंदिर और बनेंगे और उसके बाद G5 पूरा 5 तला बिल्डिंग बनेगा, उसके अंदर में गौशाला, कल्याण मंडप, बहुत सारी योजनाओं के साथ में बाबा साहब ने जो आदेश दिया है। और ये एक आदमी का काम नहीं है, एक संस्था का काम नहीं है, एक व्यक्ति का काम नहीं है, जब तक एक सब कोई नहीं लगेगी तब तक नहीं हो पाएगा। और मैं ये इस कलयुग में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंसान रुपया जल्दी कमा लेता है लेकिन सास का कोई भरोसा नहीं। हम घर बना लेते हैं, अपने लिए बना लेते हैं, अपने परिवार के लिए बना लेते हैं, लेकिन जो आदमी मना नहीं अपने लिए भी करो लेकिन थोड़ा सा पैसा अगर समाज के लिए अगर बना के जाते हैं तो इससे क्या हमारा ये लोग भी कल्याणकारी होता है और आने वाला जो हमारा जनरेशन है उनको भी कल्याणकारी उनको भी बहुत सारा लाभ मिलता है। और खुद की भी जो आत्मा है वो भी एकदम, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि अपने आप कमाए, अपने बीवी बच्चों तक सीमित रहे। मनुष्य को भगवान इसलिए बना के भेजा ताकि और लोगों का कल्याण कर सके, अपने पैसा का सदुपयोग कर सके। अगर कोई भी अगर 10 रुपया भी अगर भगवान के पीछे लगाता है तो भगवान बाउंड हो जाता है उसको 1000 रुपया देने में। ये भी अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अगर सोच करके अगर कोई स्पिरिचुअल काम में अगर मंदिर
में या कोई भी धार्मिक काम में कोई भी लगाता है तो उसका और भी बढ़ेगा, बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई, आपकी जो भावना है हम भी लोगों तक पहुँचाएंगे। एक बहुत ही बड़ी भावना आपके कि भगवान जो रहता है ऑटोमेटिक अपने सेवक को बुलाता है, दाता को बुलाता है। जिस तरह अभी सिद्धू भाई ने कहा हम मुकेश भाई को देखे तो श्याम भगवान को देख लेते हैं, तो आप ही भी बहुत बढ़िया। आपकी आवाज भाई को बचपन से जानता हूँ, इनके पास जो भी जाता है वापस निस्वार्थ भाव से सेवा भाव कर रहे हैं। आज एम्बुलेंस है इनका, कोरोना के टाइम में ये बहुत ऑक्सीजन वगैरह का भी किया, कोई भी जाने से किसी का भी कोई भी समाज का। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा स्वागत भी करते हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।